फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत आसान है। बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स के स्वेटर में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। ये चार लाइनों का डिज़ाइन है। पहला फंदा मैंने सीधा बुना, दूसरा फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, जैसे बॉर्डर बुनते हैं ऐसे ही हमने ये डिज़ाइन की मेरी पहली लाइन बुन रही हूँ मैं। एक सीधा एक उल्टा, धागे को पीछे घुमाया, सीधे फंदे की तरह बुना, फिर धागे को अपनी तरफ घुमाया, उल्टा बुना, फिर धागे को पीछे किया, सीधा बुना, फिर धागे को आगे किया, उल्टा फंदा बुना। इस तरह एक फंदा हमने सीधा और एक फंदा उल्टा बॉर्डर की तरह पूरी लाइन हम बुनते जाएंगे। ये डिज़ाइन की पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लाइन उल्टी साइड में, उल्टी साइड में हमारा ये जो उल्टा फंदा हमको दिख रहा है और एक हमें सीधा फंदा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है। जो उल्टा फंदा है उसका हमने उल्टे फंदे की तरह ही बुनना है, फिर ऊन को पीछे करना है। अब ये सीधा फंदा दिख रहा है, ये फंदे के नीचे जो होल है इसमें हमने सिलाई को पीछे की तरफ डालना है और सीधे फंदे की तरह बुनना है और इसको निकाल देना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टा फंदा बुनना है और धागे को पीछे करना है। सीधे फंदे को हमने ऐसे बुनना है, फंदे के नीचे जो होल दिख रहा है इसमें डाल के सीधे फंदे की तरह बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टा फंदा हमने बुनना है, फिर धागे को पीछे करना है। ये सीधा फंदा दिख रहा है, फंदे के नीचे जो होल है इसमें हमने सिलाई को डालना है पीछे की तरफ और सीधा बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टा फंदा बुनना है, फिर धागे को पीछे करना है। सीधे फंदे को हमेशा हमने इस होल में डाल के ऐसे बुनना है, उल्टे फंदे को हम ऐसे ही बुन लेंगे। सीधे फंदे को हमने फंदे के जो नीचे है इसमें डाल के बुनना है, फिर उल्टे फंदे को हमने ऐसे ही बुन लेना है। सीधा फंदा हमें ऐसे दिखाई देगा, ये उल्टा है ये सीधा है, और उल्टे फंदे को हमने ऐसे ही बुन लेना है। सीधे फंदे को हमने फंदे के नीचे वाले होल में डाल के सीधे फंदे की तरह बुन लेना है, धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बुनना है। इस तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करते जाएंगे। ये डिज़ाइन की दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। बस ये ध्यान रखना है, जो हमारा सीधी साइड में सीधा फंदा था वो इस साइड में उल्टा बुनेगा और जो इस साइड में उल्टा था वो बैक साइड में सीधा बुनेगा। इस तरह हम ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये डिज़ाइन की तीसरी लाइन, तीसरी लाइन में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन हमने सीधा बुनना है, पूरी लाइन हमने सीधी सीधी बुननी है। ये डिज़ाइन की हमारी तीसरी लाइन है। चार लाइन में डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये तीसरी लाइन है, इसमें हमने पूरी लाइन हमने सीधी बुननी है। इस सीधी बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह डिज़ाइन की मेरी ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है, जो मैंने पूरी सीधी सीधी बुनी थी। अब ये चौथी लाइन बैक साइड में डिज़ाइन की आखिरी लाइन है। पूरी लाइन हमने उल्टा बुनना है, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन हम उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसी पूरी लाइन हम उल्टा बुनना है। इसके बाद चार लाइनों में डिज़ाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा और आगे इसे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। भी कम्प्लीट हो गई है। अब आगे डिज़ाइन ऐसे रिपीट करते जाएंगे, एक सीधा जैसे पहली लाइन में हमने करा था, एक फंदा हमने सीधा बुना और एक फंदा हमने उल्टा बुना, पहली लाइन की तरह जैसे बॉर्डर बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा।
एक फंदा हमने सीधा बुना, धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बुन लिया, धागे को पीछे करके हमने सीधा बुन लिया, फिर धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बुन लिया, धागे को पीछे करके सीधा बुन लिया। इस तरह हम फिर से वो डिज़ाइन रिपीट करेंगे। अब ये डिज़ाइन की पहली लाइन है, इसमें आप ध्यान रखिए कि जो सीधा ये सीधे फंदे हैं वो बैक साइड में हमारे उल्टे दिखाई देंगे और जो उल्टे फंदे हैं वो सीधे दिखाई देंगे। लेकिन हमने बैक साइड में क्या करना है, उल्टा फंदा दिख रहा है जो उल्टा फंदा, उसको हमने उल्टा ही बुनना है, धागे को पीछे करके। अभी जो सीधा फंदा दिख रहा है हमको, ये वाला फंदे के नीचे वाला जो होल है इसमें डाल के हमको सीधे फंदे की तरह बुनना है और इसको निकाल देना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टा बुनना है एक फंदा, धागे को पीछे करके, फिर ये जो सीधा फंदा दिख रहा है हमको, ये वाला फंदे के नीचे वाले होल में हमने सिलाई को डाल के सीधे फंदे की तरह बुनना है और निकाल देना है। फिर धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को हमेशा इस वाले होल में डाल के बुनना है। उल्टे फंदे को तो हमने ऐसे ही उल्टा बुन लेना है, सीधे वाले फंदे को हमने ऐसे बुनना है, इस होल में डाल के ऐसे बुनना है। इस तरह हम पूरी लाइन ऐसे ही बुनेंगे। ये मेरी दूसरी लाइन भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब तीसरी लाइन हमने पूरी सीधी बुननी है और चौथी लाइन पूरी उल्टी बुननी है, जैसे हमने पहले बुना था। पूरी लाइन हमने सीधा बुनना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे फंदे की तरह पूरी लाइन हमने ऐसे ही कम्प्लीट करनी है। डिज़ाइन की तीसरी लाइन भी कम्प्लीट हो गई है, जो कि मैंने पूरी सीधी सीधी बुनी थी। अब डिज़ाइन की चौथी लाइन यानी आखिरी लाइन, इसके बाद हमारा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। ऐसे पूरा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन की चौथी लाइन भी बन के कम्प्लीट हो गई है। ये मेरा डिज़ाइन बन के ऐसा दिख रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि डिज़ाइन ये थोड़ा फैलता है, बॉर्डर के बाद जो हम फंदे बढ़ाते हैं इस डिज़ाइन में नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिज़ाइन बहुत फैलता है। ये मेरा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।